हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर की एक विषय पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट लेक्चर लेकर आया हूं, जिसका टाइटल है इम्पॉर्टेंस ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, पोल्ट्री इंडस्ट्री का भारत में क्या महत्व है या भारत में क्या स्थिति है पोल्ट्री प्रोडक्शन का, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यह इसका पहला लेक्चर होने वाला है। आप लोगों को यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगा, आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। तो पोल्ट्री जो है आज के, देखिए जो पोल्ट्री है यह एक कृषि है, ठीक, यह फार्मिंग है, एग्रीकल्चर में इसका यूज किया, इसको एग्रीकल्चर के अंडर में रखते हैं। ठीक है, तो ये जो पोल्ट्री है वह आज के भारत में कृषि के क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्र में से एक है। कौन सा? पोल्ट्री प्रोडक्शन या मुर्गी पालन कह सकते हैं। तो मुर्गी पालन कृषि क्षेत्र के सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र में से एक है, जहां कृषि फसल का उत्पादन 1.52% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। वहीं अंडे और ब्रायलर का उत्पादन 8 से 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग एकदम ध्यान समझिएगा कि क्या बोल रहा है, कि जो पोल्ट्री है, मुर्गी पालन है, वह एक कृषि है। ठीक है, आज भारत में कृषि क्षेत्र के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से मुर्गी पालन एक है, जहां पर कृषि फसलों का उत्पादन 1.5 से 2% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। वहीं अंडे और ब्रायलर का उत्पादन 8 से 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। तो इसको याद रखिएगा, फसल का उत्पादन वृद्धि दर कितना है? ये 1.5 से 2, लेकिन जो अंडे और ब्रायलर का उत्पादन दर कितना है? 8 से 10%। मैं आगे आप लोगों को पॉइंट पॉइंट में सब कुछ बताऊंगा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत अब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अंडा उत्पादक और ब्रायलर का 18वां सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि भारत अब दुनिया का सबसे 5वां सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश और 18वां सबसे बड़ा ब्रायलर उत्पादक देश बन गया है। इस क्षेत्र में संभावनाएं कई कारकों के संयोजन के कारण हैं। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, बढ़ती शहरी आबादी और वास्तविक मुर्गी पालन की गिरती कीमतें, पोल्ट्री मांस वैश्विक मांस मांग का सबसे तेजी से बढ़ने वाला घटक है, और अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विकासशील देश अपने पोल्ट्री क्षेत्र में तेजी से विकास का अनुभव कर रहा है। भारत में पोल्ट्री क्षेत्र की वृद्धि बढ़ती आय और तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग के कारण हो रही है। साथ ही ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत पोल्ट्री उत्पादकों के उद्भव ने उत्पादन और विपणन लागत को कम करके उपभोक्ता कीमतों को कम कर दिया है। तो यह थोड़ा सा था आप लोगों के लिए कि भारत में पोल्ट्री इंडस्ट्री का क्या महत्व। तो आप लोगों ने देखा कि जो पोल्ट्री है वह भारत में जितने भी कृषि क्षेत्र में विकास हो रहा है, उन सब में यह भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है। जहां पर फसलों के उत्पादन में प्रतिवर्ष 1.5 से 2% की वृद्धि हो रही है, वहीं पर पोल्ट्री प्रोडक्शन में या मुर्गी पालन और अंडे के उत्पादन में प्रतिवर्ष 8 से 10% की वृद्धि बढ़ रही है। इसी के परिणाम स्वरूप भारत जो है वह अंडा उत्पादन में 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है, और मीट उत्पादन में या ब्रायलर के उत्पादन में 18वां सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। चलिए आगे चलते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है? तो पोल्ट्री फार्मिंग जो है वह पशुपालन का एक रूप है। एनिमल हस्बेंड्री का क्या है? एक रूप है, जिसमें भोजन के लिए मुर्गी, बत्तख, टर्की आदि जानवरों को पाला जाता है। तो मुर्गी पालन पशुपालन का एक रूप है, जिसमें भोजन के लिए मुर्गी, बत्तख, टर्की आदि जानवरों को पाला जाता है। पोल्ट्री में ज्यादातर कौन सी पक्षी आते हैं या कौन से बर्ड आते हैं? तो चिकन आता है, क्योंकि देखेंगे जब भी जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा चिकन ही खाए, कोई डॉक्टर डक खाने के लिए नहीं बोलता है। ठीक है, तो पोल्ट्री में ज्यादातर चिकन आते हैं, और इसकी खपत के लिए सालाना 8 अरब से अधिक मुर्गियों को मार दिया जाता है। तो एक साल में लगभग 8 अरब से अधिक मुर्गियों को भारत में मारा जाता है। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बंगाल पोल्ट्री मांस उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बंगाल पोल्ट्री उत्पादन में अग्रणी राज्य है।
और भारत देश में मांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कुल मांस का 23% उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जो 12% योगदान देता है मांस उत्पादन की दृष्टि से। तो पोल्ट्री फार्मिंग क्या हो गया? पोल्ट्री फार्मिंग हो गया मुर्गी पालन, जो है पोल्ट्री फार्मिंग है। यह क्या है? एक पशुपालन का एक रूप है, एनिमल हस्बेंड्री का एक रूप है, जिसमें भोजन के लिए मुर्गी, बत्तख, टर्की आदि जानवरों को पाला जाता है। पोल्ट्री में ज्यादातर चिकन आते हैं। इनकी खपत के लिए सालाना 8 अरब से अधिक मुर्गियों को मार दिया जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बंगाल पोल्ट्री उत्पादन में अग्रणी राज्य है। देश में मांस का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उसके बाद दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, जो 12% योगदान देता है, और भारत जो है 23% उत्पादन करता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, अंडे के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को लेयर्स कहा जाता है। देखिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, एक नंबर में बार बार पूछता है कि जो अंडे के लिए पाली जाने वाली मुर्गी होती है उसको क्या कहा जाता है, और जो मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गी होती है उसको क्या कहा जाता है। तो जो अंडे के लिए पाली जाने वाली मुर्गी होता है उसको लेयर्स कहा जाता है, और जो मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गी होता है उसको क्या कहता है, उसको ब्रायलर कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, अंडे के उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को लेयर्स, और मांस के लिए उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को ब्रायलर कहा जाता है। विश्व में यदि प्रोडक्शन की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ब्रायलर का होता है, जो लगभग 38.7% होता है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर लेयर्स का होता है, अंडे का होता है, जो 29.4% होता है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य पॉइंट थे, आगे चलते हैं। तो वर्तमान में पालतू मुर्गियों का पैतृक घर भारतवर्ष में एवं पड़ोसी देश को कहते हैं। वर्तमान समय में पालतू मुर्गी जो होते हैं उसका पैतृक घर भारतवर्ष एवं पड़ोसी देश को कहते हैं। ठीक है, पिछले 5,000 वर्षों से भारतवर्ष में कुक्कुट पालन होता चला आ रहा है, या मुर्गी का उत्पादन होता चला आ रहा है, परंतु पिछले 50 वर्ष के अनुसंधान कार्य के कारण ही विश्व में कुक्कुट पालन के विकास का वैज्ञानिक ज्ञान पैदा हुआ है। हालांकि पहले मुर्गी पालकों ने मुर्गी की अनेक नस्लें एवं किस्में निकाली, जो प्रायः प्रदर्शनी के उद्देश्य से पैदा की गई थी। ठीक है, मूल लाल एवं सिल्वर जंगली मुर्गी, जिससे आधुनिक मुर्गियों की नस्लें उत्पन्न हुई, उन सबका मूल स्थान भारतवर्ष ही रहा है। क्या बोल रहा है कि लाल एवं सिल्वर जंगली मुर्गी, जिससे आधुनिक मुर्गियों की नस्लें उत्पन्न हुई हैं, उन सबका मूल स्थान भारत ही रहा है। भारतवर्ष में मांस एवं अंडों की बढ़ती हुई मांग को देखकर कुक्कुट पालन का वैज्ञानिक विकास भी तेजी से हो रहा है। कुक्कुट पालन में विभिन्न प्रकार के चिड़िया आती है, जैसे आ गया क्या, बत्तख, चूजा, टर्की, गीज, ये सब दोस्तों किसमें आते हैं, ये सब आते हैं कुक्कुट पालन में। भारतवर्ष में इन सब की अपेक्षा चूजे अथवा मुर्गी अधिक प्रसिद्ध है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। काफी समय तक भारतवर्ष में मुर्गी पालन एवं कुटीर उद्योग के रूप से में पनपता रहा। भारतवर्ष में अन्य देशों की अपेक्षा मुर्गियों की संख्या बहुत कम है। जैसे दोस्तों विश्व में औसत मुर्गियों की संख्या प्रति वर्ष 100 व्यक्ति 154 है, और प्रति वर्ग किलोमीटर संख्या भारतवर्ष में सिवाय एक देश को छोड़कर सबसे कम है। भारत में दोस्तों भारतवर्ष में 21 मुर्गियां हैं 100 व्यक्ति पर, लेकिन जाना कितना चाहिए, 154। देसी मुर्गियों का एक वर्ष में औसत अंडा उत्पादन केवल 60 है। यह विश्व के औसत अंडा उत्पादन 130 के आधे से भी कम है। अमेरिका में औसत अंडा उत्पादन प्रति मुर्गी कितनी जानते हैं दोस्तों? आप लोग बता दें 227 है, लेकिन भारत में सिर्फ 60 है। भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में एक वर्ष में 11 अंडे आते हैं, लेकिन जो अमेरिका है उसमें 352 अंडे आते हैं। भारत में प्रति वर्ष में प्रति व्यक्ति के हिस्से में 11 अंडे आते हैं। कनाडा में 320 अंडे आते हैं प्रति वर्ष में। बेल्जियम में प्रति वर्ष में 541 अंडे आते हैं। इंग्लैंड में प्रति वर्ष 305 अंडे। अमेरिका में प्रति वर्ष 352 अंडे। पश्चिमी जर्मनी में 256 अंडे। नीदरलैंड में 354 अंडे। और विश्व में औसत लगभग 115 अंडे प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष आते हैं। सन 1966 की पशुधन गणना के अनुसार भारतवर्ष में 1.54 करोड़ मुर्गियां थी, जो 1961 की पशुधन गणना से 0.8% अधिक थी। 1972 की पशुधन गणना के अनुसार मुर्गियों की संख्या 13.85 करोड़ हो गई, और सन 1977 को पशुधन की गणना के अनुसार मुर्गियों की संख्या कितना हो गया, 15.95 करोड़ हो गई। तो बोल रहा क्या रहा है कि सन 1966 में जब पशुधन गणना हुई थी उस समय 1.54 करोड़ मुर्गियां थी, जो सन 1961 में पशुधन गणना के समय 0.8% अधिक हो गई। कितना, 0.8% अधिक हो गई।
और सन 1972 की पशु गणना के अनुसार मुर्गियों की संख्या 15.95 करोड़ हो गई। इस गणना के पश्चात अन्य कोई पशुधन गणना के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए, इसके बाद अभी तक पशु गणना हुए ही नहीं है। सन 1972 की पशु गणना के अनुसार भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों की मुर्गियों की गणना की गई है, जिसमें दोस्तों आंध्र प्रदेश में 190.40, असम में 77.30, बिहार में 125.60, गुजरात में 27.30, हरियाणा में 9.60, इस प्रकार से मुर्गियां उपलब्ध हैं। कुक्कुट विकास के लिए आंध्र प्रदेश भारतवर्ष में सबसे आगे माना जाता है। कलकत्ता जिसकी जनसंख्या हैदराबाद से अधिक है, परंतु बड़े व्यवसायिक कुक्कुट विकास केंद्र बहुत कम है। यहाँ पर अंडे की मांग है, बत्तख के अंडे कलकत्ता के बाजार में अधिक संख्या में मिलते हैं। प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत मुर्गियों की गणना में तेजी से वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यह था पोल्ट्री प्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्शन या पोल्ट्री मैनेजमेंट इन इंडिया, भारत में कुक्कुट उत्पादन का महत्व क्या है। तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया आप लोगों को, कि फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, मैंने आप लोग बताया कि जो भारत में कृषि है, कृषि में जी हर क्षेत्र में जिस प्रकार से कृषि में विकास हो रहा है हर क्षेत्र की तरह, तो कृषि में यह जो कुक्कुट उत्पादन है इसका भी विकास बहुत तेजी से हो रहा है। जहाँ पर फसल की उत्पादन की वृद्धि दर प्रति वर्ष 1.5 से 2% है, वहीं पर कुक्कुट उत्पादन और अंडे का उत्पादन प्रति वर्ष कितना है, 8 से 10%। इसी के साथ भारत विश्व में अंडा उत्पादन में 5वें स्थान पर आ गया है और मीट के उत्पादन में, ब्रायलर के उत्पादन में 18वें स्थान पर आ गया है। तो समझ लीजिए इतनी तेजी से विकास हो रहा है। तो अब कुछ लोग पूछते हैं कि भारत में मुर्गी पालन क्यों आवश्यक है, तो मैं इसको पॉइंट पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को, लेक्चर से समझिएगा कि भारतवर्ष में कम मूल्य पर अधिक पौष्टिक आहार की तुरंत आवश्यकता होती है। भारतवर्ष में छोटे छोटे कृषि फार्म हैं और आधुनिक कुक्कुट पालन के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। शहरों, छोटे कस्बे एवं छोटे कृषि फार्मों पर कुक्कुट पालन बैकयार्ड में किया जा सकता है। अब ये बैकयार्ड क्या होता है, बैकयार्ड मतलब दोस्तों जो आप लोग अपने घर के लिए पालते हैं, अपने गाँव घर के लिए पालते हैं, ठीक है। देखेंगे गांव में सब लोग पाले रहते हैं, वो सब बैकयार्ड के अंदर में आते हैं। अगला पॉइंट, आर्थिक दृष्टिकोण से कुक्कुट पालन में कम पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य दूसरे धंधों को करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट है, अन्य कृषि उपज की अपेक्षा कुक्कुट पालन से कुछ ही समय के पश्चात आय आरंभ हो जाती है। कहने का मतलब दोस्तों कि जब हम लोग कुक्कुट पालन करते उस समय अन्य बिजनेस की अपेक्षा इसमें जल्दी पैसा प्राप्त होने लगता, पैसा मिलने लगता है। कारण मतलब यह है, भारतवर्ष में बेरोजगारी अधिक फैली हुई है और वर्ष में कुछ महीने ऐसे होते हैं जबकि मनुष्य की कृषि का कोई कार्य नहीं होता, उस समय का सदुपयोग करने हेतु कुक्कुट पालन किया जा सकता है। तो क्या बोला, भारत में बेरोजगारी बहुत अधिक फैली हुई है और कुछ समय ऐसा होता है, कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें कृषि का कोई कार्य नहीं होता, उस समय का हम लोग सदुपयोग करके कुक्कुट पालन करना चाहिए। इस कार्य में कोई महिलाएं, बच्चे तथा बूढ़े सभी आसानी से कर सकते हैं। अगला पॉइंट, भारतवर्ष शाकाहारी होने के कारण मनुष्य के भोजन में प्रोटीन की सदैव कमी रहती है, कुक्कुट पालन उस कमी को पूरा करता है। 1 किलोग्राम मांस 3 से 3.5 किलोग्राम मुर्गी राशन से तैयार किया जा सकता है। 12 अंडे प्राप्त करने के लिए केवल 2 से 2.7 किलोग्राम मुर्गी आहार की आवश्यकता होती है। तो वो क्या बोल रहा है कि 1 किलोग्राम मांस के उत्पादन के लिए 3 से 3.5 किलोग्राम मुर्गी को राशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। भारतवर्ष में औद्योगिक उच्चिष्ट जैसे पेनिसिलिन, माइसिलिया एवं आहार उपाजात अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है तथा इनका ठीक ठाक से उपयोग नहीं हो रहा है। तो यह था कि हमें मुर्गी या भारतवर्ष में मुर्गी पालना क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मैंने जितना बताया आप लोग बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।